दोस्तों एंड्रॉयड से हमने नया नया अभी आईफोन पे स्विच किया है। अब कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अजीब सी लगती हैं एकदम से देखने में, नई नई सी। सो दो पॉइंट्स के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जो कि मेरे को लग रहा था क्योंकि मेरे ऐसे नॉन में भी एक दो बंदे फैमिलीज में हैं जिन्होंने लिया अभी रिसेंटली, एंड किसी हम लोग जो है अपना गेट टुगेदर पे मिले तो वहाँ पे मुझको यही जो क्वेश्चन है ये पूछा एक दो बंदों ने। सो मुझे लगा कि शायद से ये चीज़ ऐसी है जिस पर कि वीडियो भाई बनाई जाए ताकि हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिचू बाबा में और मैं आपका फ्रेंड सचिन। दोस्तों एक फीचर जो कि आईफोन में देखा जाता है कि वो आता ही है बाय डिफॉल्ट, अटेंशन अवेयरनेस फीचर, जिसमें कि जब भी हमारे पास कॉल का रिंग किसी का कॉल आता है वो जैसे ही हमारा फेस आईडी को वो देखता है या हमारे फेस को एकदम से अटेंशन उस पर आती है आईफोन पे, तो उसकी जो रिंग का जो वॉल्यूम है वो एकदम से डाउन चला जाता है। अब किसी किसी का बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी होती है लेकिन वो चाहते हैं कि जो इसके रिंगटोन जो लो हो रही है वो ना हो, वो एज इट इज़ रिंग होती रहे जैसे कि हमारे पास पहले फोन्स में होता था। सो आज मैं ये आपको बताऊंगा, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप हमने अपने आईफोन में इंस्टॉल किया है और व्हाट्सएप पे जो भी चीज़ हमको आप आईफोन में लाइक हमारे जो व्हाट्सएप है उस पर इमेजेस रिसीव हो रही हैं, कोई हमको भेज रहा है या हमको जो वीडियोज़ रिसीव हो रही हैं वो हमारी आईफोन की जो गैलरी है उसमें नहीं जा रही। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, अगर हमको किसी को आगे भेजनी है फॉरवर्ड करनी है तो जिससे हमको रिसीव हुई थी उसकी चैट पे जाएं, वहाँ से टैप करके सिलेक्ट करें एंड देन उसको फॉरवर्ड करें। बट अगर वो चैट हमसे डिलीट हो जाती है या कभी कभार ऐसा कोई फोटोग्राफ रहता है जिसको हमको किसी को ईमेल पे भेजना है या एयर ड्रॉप पे भेजना है, एयर ड्रॉप काफ़ी अच्छा फीचर है, सो उसके लिए ये चीज़ें हमारी जो गैलरी है उसमें होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि जो है ये चीज़ आपको दो आसानी से काफ़ी जल्दी समझ में आ सकें। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नए जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको वक्त वक्त पे मिलते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं अटेंशन अवेयरनेस फीचर की। आपको जाना है सेटिंग्स में, यू स्क्रॉल डाउन एंड उसके बाद आपको टैप करना है फेस आईडी एंड पासकोड। नाउ यू विल एंटर योर पासकोड, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यू विल सी अटेंशन अवेयरनेस फीचर। इसको आपको ऑफ करना है ताकि रिंगटोन आपकी लगातार ऑन रहे, वो फेस आईडी देखने के बाद ऑफ ना हो। दैट्स इट। सो दोस्तों ये तो था अटेंशन अवेयरनेस फीचर के लिए। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप वाले फीचर पे। इसमें हमें अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और इसके बाद हमें जाना है व्हाट्सएप की सेटिंग्स में। मैं ऑलरेडी सेटिंग्स में हूँ। यहाँ पे ये हमको चैट का ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट के नीचे, चैट्स पे हमको टैप करना है। यहाँ पे है सेव टू कैमरा रोल, बस इसको आपको ऑन रखना है। जो भी इमेजेस या फोटोग्राफ्स या वीडियोज़ आपके पास आएंगी वो आपकी जो गैलरी है उसमें ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगी। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही। अगर आईफोन से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है आपको या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लेना है उसके फीचर से रिलेटेड, सो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वो छोटा रहता है सो आई विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट ओनली, लेकिन अगर मुझे लगा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसपे कि आप लोगों के ओपिनियंस आए हैं, सो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन That part also. So, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।